हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी आटा मेकर मशीन के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फ्लोर मिल भी आप इसको बोल सकते हो या आटा मशीन भी बोल सकते हो या आटा मेकर, जो भी आपके मन में है जो भी बोल सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इसको आपको कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे आप इसको यूज करोगे, आपके लिए कौन सी कंपनी की ज्यादा बेस्ट होने वाली है, किस प्राइस पे बेस्ट होने वाली है और आपको कैसे परचेस करना चाहिए, ऑनलाइन यानी फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेस करना चाहिए या बाजार में आपको दुकान से परचेस करना चाहिए और किस प्राइस पे परचेस करना चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो जो है लेके आते रहता हूँ। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मशीन का सामने का हिस्सा। सबसे पहले मैं यहाँ पे चारों तरफ से मशीन का सब कुछ एरिया दिखा दे रहा हूँ, तो ये सामने का हिस्सा जो है देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये जो एरिया है वो सामने का हिस्सा है और यहाँ से आप लोग को मैं दिखाऊँ तो ये राइट साइड का जो है एरिया दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला एरिया जो है ये लेफ्ट साइड का एरिया जो है आपको दिख रहा होगा। और ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हो, ये वाला एरिया ये जो है इस मशीन के पीछे का हिस्सा जो है दिया गया है। तो यहाँ पे मशीन के चारों तरफ आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मशीन जो है किस चीज़ की बनी हुई। तो सबसे पहले बात करें, ये ऊपर आपको सरमाइका यानी कि प्लाईवुड जो है देखने को मिल जाएगा। टोटल मशीन ये कि पूरी मशीन जो है आपको लकड़ी की बनी हुई है, ऐसा नहीं कि ये लोहा और कुछ अगर मतलब कि स्टील वगैरह दिया है, ये ऐसा कुछ नहीं, ये टोटल यहाँ पे जो है आपको प्लाईवुड की बनी हुई है। इस मशीन के नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हील जो है लगा हुआ है, जैसे कूलर वाला जो लगा रहता है कि मूव करता है कूलर, वही वाला सेम व्हील जो है यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे साइज के बारे में बात करें तो ये जो लंबाई दी हुई है ये आपका 2.5 फुट का दिया हुआ है। ये वाली एरिया जो आप लोग देख रहे हो ये लगभग 1.5 फुट का है। ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हो इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 1 फुट से थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा वहाँ पे दिया है। तो हाइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाइट मेरे कमर इतनी आ रही है। हाइट में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कवर टाइप का देखने में लग जाएगा। और ये रहा सामने इस मशीन का हिस्सा, और ये हैंडल लगा हुआ है, तो हैंडल से इसको आप लोग ओपन करोगे। तो अभी मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब ऊपर के साइड में बात करें तो ये रहा हैंडल, इसको आप लोग इसको उठाओगे ऐसे, तो ये देखिए उठाने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप मशीन नई खरीद रहे हो तो अंदर ये सब कुछ सामान आपको भी देखने को मिल जाएगा, एकदम सेम एज इट इज यही देखने को मिलेगा। ऊपर जो है यहाँ पे एक चार्ट जो है दिया गया, तो चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कितने mm की जाली जो है लगाना है और कितना mm का आटा जो है बारीक बनेगा, मतलब जो भी आप पीसोगे वो कितना मतलब कि बारीक होना चाहिए। यहाँ पे जाली का जो है नंबर दिया गया, और यहाँ पे जाली मैं दिखा दूँ तो ये रही जाली, जाली पे नंबर अगर मैं शो कराऊँ तो ये देखिए ये रही जाली, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नंबर जो है दिया गया। तो ये सभी जाली पे अलग अलग नंबर दिया है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 7 टाइप की जालियाँ जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 7 टाइप की जालियाँ जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको अंदर देखने को मिल जाएगा, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश भी आपको मिलेगा जब आप नया परचेस करोगे इस मशीन को। तो ये ब्रश इसलिए है इस जाली को साफ करने के लिए, वहाँ पे मैंने जो जाली रखा हुआ है उसको साफ करने के लिए और अंदर जो भी कचड़ा होता है उसको साफ करने के लिए। तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। और ये रहा कपड़ा, तो ये कपड़ा आपको फोल्ड होकर मिलेगा, तो ये कपड़ा कहाँ पर लगाना है ये भी अभी मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने चक्का दिखाया वो भी यहाँ पे खुला हुआ रहेगा, आपको उसको निकाल के नीचे नट बोल्ट से टाइट करके लगाना है, तो वो आपको लगाने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा होल जो है दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक होल देखने को मिल जाएगा। तो होल क्यों है, तो ये तार को जो है यहाँ पे ये तार इस तरह निकालने के लिए, ये देखिए ये तार आप लोग इस तरह इजिली जो है यहाँ पे निकाल दोगे, तो ये इसलिए ये होल बना हुआ है। अब बात करें तो यहाँ पे एक बटन जो है दी गई, तो बटन में आपको 2 मोड जो है देखने को मिल जाएंगे, एक है बाजरी का और एक है गेहूं का। तो आप जिस मोड पे जिसको पीसना चाहते हो उस पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये वाला गेहूं पे मैं अभी कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया। और उसके बाद ये तार है, ये आपको प्लग जो है बोर्ड में लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया, इसमें आपको अनाज को डालना है, जो भी आपका रहे, मसाला हो गया, गेहूं हो गया, बाजरी हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें आपको डालना है। तो यहाँ डालने के बाद अंदर जो जाएगा फिर उसको आपको बंद कर देना है। यहाँ सामने का हिस्सा, और यहाँ पे साइड में अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पे आपको जाली टाइप का देखने को मिल जा रहा है। तो ये जाली क्यों दी गई है, अंदर का जो मतलब कि आटा बनेगा, अगर आटा उड़ रहा है तो वो निकलने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सेम यही आपको दूसरी साइड पे दिया हुआ है, तो जाली जो है आटा निकलने के लिए जो उड़ेगा वो अंदर जमा ना हो, वो निकल जाए इजिली, तो ये जाली जो है लगी हुई है। अब पीछे की यहाँ पे साइड में हम लोग बात करें कि क्या क्या पीछे जो है दिया हुआ है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे का ये एरिया है, यहाँ पे आपका एक एग्जास्ट फैन जो है दिया गया, तो ये यहाँ से गर्म हवा जो है अंदर की मशीन की गर्म हवा फेंकेगी बाहर, जो भी अंदर मतलब कि अगर डस्ट वगैरह जाता है तो वो बाहर फेंक देगी। नीचे की साइड में एक और जाली जो है लगी हुई, तो यहाँ पे आपका स्पीकर जो है अंदर दिया है, ये मशीन के अंदर स्पीकर लगा हुआ है, तो जब ये चालू होगी या चलेगी तो यहाँ पे बोलेगी, तो वो अभी आप लोग सुन लोगे, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। और उसी के साथ साथ ये नीचे का मतलब कि एरिया जो है दिया हुआ है, और नीचे जो है व्हील दी गई है। क्या करना है कि आपको हैंडल्स यहाँ पे ओपन करना है, तो हैंडल यहाँ पे थोड़ा सा टाइट है, मैग्नेट लगा हुआ है, अंदर चुम्बक है, और इसको खींचते हैं थोड़ा सा, ये देखिए खुल गया, और ये लॉकर है, वहाँ पे आप लॉक कर दोगे। तो सबसे पहले बात करें तो यही वाला जो एरिया है यहाँ पे जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से ये टाइटली पैक हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ अंदर का सेक्शन आपको इस डिज़ाइन का देखने को मिल जाएगा। अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, तो ये एक छोटी सी बाल्टी टाइप का दिया है स्टील का, तो ये देखिए आपको स्टील की एक बाल्टी जो है दी गई है, जिसमें आपका आटा निकलने के बाद इसी में जमा होगा। उसके साथ साथ ये जो है मशीन यहाँ पे दी गई, तो ये इसी में सब कुछ होता है, जो भी आपका आटा बनता है इसी एरिया में बनता है। और ये कपड़ा आपको आपको क्या करना है, तो ये कपड़ा जो है देखिए यहाँ पे रबड़ जो है लगा हुआ है, ये देखिए ये रबड़ है, तो ये इसी पे लगा देना है, ताकि ये ऐसे लगा हुआ है और आटा जो है आपका ज़्यादा उड़े ना और आपका डायरेक्ट बाल्टी में जो है आटा गिरे, बस इसीलिए ये कपड़ा यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया मैं दिखा दूँ कि क्या होने वाला है, तो ये देखिए इसको अगर घड़ी की उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक इसको घुमाओगे तो ये यहाँ पे ढीला हो जाएगा, और इसको आप लोग ओपन करने के बाद इसको आप ऐसे खींचोगे तो ये देखिए अंदर का ऐसा कुछ मशीन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे घूमता है ये, और यही आपका गेहूँ पिसता है। और यहाँ पे देखिए एक जाली जो है लगाई जाती है, जो मैं यहाँ पे जाली दिखा रहा था कि 7 या 8 जाली देखने को मिल जाएगी। ये जाली आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए अंदर ऐसे है और ये ऐसे लगा देना है, सभी जाली एकदम इसी सेम डिज़ाइन में लग जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग नंबर का है तो अलग अलग जाली को सेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बस यही हो गया। अब देखिए मैं सभी जाली को यहाँ पे लगा के दिखा दे रहा हूँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अलग अलग जाली यहाँ पे दी गई है, तो जाली लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेम ऐसे जाली को आपको देखिए यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है, और उसको लगाने के बाद, जाली लगाने के बाद आप सिंपली क्या है, इसको यहाँ पे बंद करोगे, और ये जो है हैंडल, इसको लगाने के बाद घड़ी की दिशा में आप इसको घुमा के इसको पूरा तेज से टाइट कर दोगे। तो ये देखिए फुली आपको टाइट करना है, एकदम टाइट, ताकि अगर टाइट नहीं रहेगा तो ये जो गैप होगा यहीं से आपका अनाज जो है गिरने लगेगा, तो आपका पूरा पीस नहीं पाएगा मशीन। अंदर का एरिया आप लोग देख सकते हो, वो पूरा मशीन है, तो वो अंदर आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है। अंदर जो दिया गया ये एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो आटा उड़ेगा अंदर का वो यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका जल्दी मतलब कि गंदा नहीं होगा। और ये देखिए लकड़ी का पूरा मैं बताया था, जैसे कि ये पूरा जो है लकड़ी का बना हुआ है और पलाई का बना हुआ है। तो आप लोग ये बटन जो है देख रहे होंगे कि ये बटन किस लिए, तो ये बटन है ऑटोमेटिक के लिए, जब ये दरवाज़ा बंद होगा तो ये बटन जो है इसी दरवाजे से इसे दब जाएगी, तब मशीन आपकी चालू होगी, वरना जब तक ये दरवाज़ा अगर बंद नहीं होगा तब तक ये मशीन चलने वाली नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मशीन में देखने को मिल जाएगा, ये सब सामान यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको चालू करते हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पीस के भी दिखाऊंगा कि पीसता है कि नहीं, मतलब कि किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मशीन को हम लोग कनेक्ट कराएंगे लाइट से, तो ये देखिए मैंने बोर्ड में लाइट लगा दिया है। अब इसको सिंपली क्या है, इसमें आप लोग को मैं प्लग को लगा दे रहा हूँ, तो ये देखिए प्लग को मैंने लगा दिया। अब यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए आपको सिंपली इसको बटन को ऑन कर दो। आपकी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। तो ये देखिए बोल रही है मशीन की आपकी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। तो ये फुली ऑटोमेटिक है, जब तक ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा मशीन जो है चालू नहीं होगी। जब ये बंद होगा तो ये जो बटन है दब जाएगी, तब यहाँ पे मशीन जो है काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ये देखिए मशीन जो है बंद हो गई है, और यहाँ पे कुछ अभी मतलब कि अनाज पड़ा हुआ नहीं है इसमें, तो ये देखिए हॉपर में अनाज डालें। अब देखिए इसमें अनाज डालने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम लोग अनाज को डालते हैं इसमें। तो यहाँ पे आवाज सुन सकते हो आप लोग कि अनाज डालिए बोल रही है मशीन, क्योंकि इसमें देखिए अभी हॉपर में अनाज डालें। ये देखिए इसमें अभी अनाज जो है पड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये मशीन जो है आवाज करिए कि इसमें अनाज डालिए। मैं इसमें थोड़ा सा चना डाल देता हूँ। आवाज जो है आपकी इसी स्पीकर से आ रही है, आप लोग सुन सकते हो यहाँ पे हॉपर में अनाज डालिए, तो ये आवाज जो है इसी स्पीकर से आ रही है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि ये मशीन कब कब आवाज करेगी और कब कब आवाज नहीं करेगी। जब आपका दरवाजा यहाँ पे ये वाला डोर जो है खुला रहेगा और इसमें अनाज नहीं पड़ा रहेगा, तब ये जब मशीन जो है आवाज देगी कि अनाज खत्म हो गया है या अनाज इसमें डालना है, तब ये चालू होगी। और ये जो मेन डोर है ये जब तक बंद नहीं होगा आपकी मशीन चालू नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कि फीचर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जाली लगाना पड़ेगा, मतलब कि ये कपड़ा जो है, तो मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कपड़ा जो है लगाना पड़ेगा।
तो ये देखिए सिंपली इसको क्या है कि यहाँ पे इस तरह आप लोग लगा दोगे तो ये लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चना है, तो इसी को मैं पीसने वाला हूँ इस मशीन में। तो अभी मैं इसको डाल दूंगा पूरे चने को इस मशीन के अंदर। तो इसको आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये देखिए मशीन में ये पूरा चना है हम लोग डाल देंगे। ये मैंने चना जो है अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे ये मैंने जाली भी लगा दिया और ये कंटेनर है। कंटेनर अभी जो है थोड़ा सा गंदा है तो मैं ये नहीं लगाऊंगा इसमें। मैं थोड़ा सा कोई छोटा सा डब्बा लगा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे अंदर बहुत सारा कचरा जमा है, इसीलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगा। छोटा सा कोई यहाँ पे मतलब कोई भी प्लास्टिक का डब्बा होगा तो मैं उसको लगा दे रहा हूँ। तो अभी मैं जो है ये थोड़ा सा लगा दे रहा हूँ ताकि ये इसमें लगे, क्योंकि उसमें कचरा हुआ था। और चना डाल दिया मैंने, अब दरवाजे को यहाँ पे बंद कर देंगे आप लोग। तो ये देखिए मैंने जाली जो है लगा दिया 3 नंबर का, क्योंकि मुझे चना जो है पीसना है तो 3 नंबर का मैंने जाली लगाया हुआ है। अब यहाँ पे दरवाजे को हम लोग बंद नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। आपकी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। अब यहाँ देखिए मेन डोर जो है बंद नहीं है इसीलिए आवाज कर रहा है, तो हम लोग मेन डोर को यहाँ पे बंद कर देते हैं। हॉपर में अनाज डालें। और ये देखिए अनाज डालने को बोल रहा है। अब ये देखिए मशीन जो है चालू हो चुकी है और यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं पड़ा है, मशीन जो यहाँ पे चल चुकी है। तो आप लोग को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और यहाँ से जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ से आपका कचरा जो है निकलेगा, तो ये देखिए बहुत तेज हवा जो है फेंक रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें से जो भी आएगा मतलब कि वो आपका यहाँ पे फेंकने लगेगा। सेम वही आपका इस साइड भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग को मतलब कि जो गंदी हवा है या गैस जो है वो निकल रही है। और पीछे के साइड में मैंने बताया था यहाँ पे एक एग्जास्ट फैन है जो कि यहाँ पे आपको देखिए चल रहा होगा, तो ये जो है टोटली चल रहा है। और नीचे स्पीकर था, आप लोग को आवाज़ भी यहाँ पे सुनाई दे रही होगी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि मशीन अभी चल रही है। तो अभी जैसे ही अनाज खत्म हो जाएगा फिर से ये मशीन जो है बंद हो जाएगी। मशीन को अंदर देखते हैं कि अनाज जो है कितना बचा हुआ है। तो अनाज जो है अभी देखिए अंदर जो है धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो है मैंने मशीन को बंद कर दिया है अभी, कि अभी देखेंगे कि अंदर जो है मतलब कि जो पीसा हुआ था वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग खोलते हैं इसको और ये देखिए अंदर जो है आपका ये देखिए पूरा पाउडर बना दिया है, पूरा पाउडर टाइप का बन चुका है ये, मतलब कि ज्यादा ही कुछ यहाँ पे जाली मैंने छोटी लगा दी तो यहाँ पे पूरा पीस दिया है यहाँ पे। अभी देखिए मैंने क्या है कि इसके कंटेनर को एक्सचेंज कर दिया, जो अभी मतलब कि छोटा था तो अंदर से ज़्यादा मतलब कि उड़ रहा था। तो अभी मैंने अंदर एक छोटी सी बाल्टी जो है लगा दी है, ये वाला एरिया जो है दिख रहा है यहाँ से पूरा हवा निकल रही, तो जिसकी वजह से अगर बड़ा कंटेनर यहाँ पे नहीं लगाओगे तो आपका जो है पूरा आटा या जो भी आप पीसोगे वो उड़ने लगेगा। तो इसीलिए बड़ा कंटेनर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। फिलहाल अभी ये मशीन चली है तो थोड़ा सा आधा घंटा तो लगेगा ही पीसने में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्लो पीसती है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है भाई यहाँ पे, ये देखिए। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब अपनी मशीन जो है ऑटोमेटिक आवाज़ देगी कि अनाज हॉपर में जो है अनाज ख़त्म हो चुका है, मशीन ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगी। तो अभी देखिए ये मशीन चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये मैंने बताया था लॉकर है, तो ये जब ऐसे हो जाएगा अगर नहीं यूज़ करे तो यहाँ पे डाल दोगे तो ये कोई लड़का है तो खोलेगा नहीं, तो ये लॉकर छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे चना जो है लगभग ख़त्म हो गया है। अब देखेंगे ख़त्म होने के बाद ये मशीन क्या बोलती है और कैसे जो है ऑफ होती है। तो मैं वीडियो को भी ऐसे ही प्ले छोड़ देता हूँ। तो अनाज देख ये देखिए मशीन, अब देखिए बोल रहा है चक्की साफ हो रही है 2 मिनट इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है चना मेरा ख़त्म हो गया, जो भी यहाँ पे डालोगे होपर में वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी बोल रहा है चक्की जो है साफ होने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि अब कितने टाइम में बंद होती है, 2 मिनट यहाँ पे बोला हुआ है। स्विच बंद करें, धन्यवाद। तो ये देखिए मशीन जो है ऑटोमेटिक फुली बंद हो चुकी है।
जो है यहाँ पे 2 मिनट के बाद ये मशीन जो है ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाए, तो अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग खोलते हैं थोड़ा, तो ये देखिए अंदर कितना कचड़ा हो गया है पूरा। तो ये देखिए पूरा चना मतलब कि पीस के आटा बना दिया है। तो ये देखिए ये पूरा मतलब कि आटा बन चुका है, तो इसको रख देते हैं अभी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये वाला जो जाली लगा हुआ है यहाँ से एग्जास्ट फैन का काम करेगा, यहाँ से जो मतलब कि कचरा निकलेगा वो बाहर फेंकेगा। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग पूरा कचरा लगा है, तो यहाँ पे ये ब्रश जो है काम आएगा। यहाँ पे देखिए साफ करने के लिए ये ब्रश जो है दिया हुआ है, तो इसको ये ब्रश इसी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा साफ कर सकते हो। तो ये देखिए इस ब्रश से आप लोग साफ कर लोगे। तो बस यही था पूरा मतलब कि अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देख लिया इस मशीन के बारे में सब कुछ, मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया मशीन जो है किस बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलेगी, कौन से मटेरियल की बनी हुई है, साथ ही साथ में कैसे ये काम करती है, आपको क्या क्या सामान इसके अंदर देखने को मिलेगा जब आप इसको नई परचेस करने जाओगे तब, और यहाँ पे कैसे इसको सेट करना है, सब कुछ अलग रहेगा तो सेट कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, और कैसे ये वर्क करती है और कितना फिनिशिंग के साथ में ये वर्क करती है, आटा कितना महीन आपका बनता है ये भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया पीस के सब कुछ। अब यहाँ पे देखा जाए कि आपको कौन सी कंपनी की परचेस करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को परचेस कर सकते हो, लेकिन एक बात इससे मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप परचेस करने की सोच रहे हो तो आप ऑफलाइन परचेस करिएगा, मतलब कि दुकान पे जाके परचेस करिएगा, ऐसा नहीं कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसको ऑनलाइन देख के बुक कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में आपका कोई भी फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि कौन सी कंपनी यहाँ पे अच्छी होगी, तो यहाँ पे 2-3 कंपनी का मैं नाम बता दे रहा हूँ। एक है नटराज जो कि काफी अच्छा थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाती है, और इसके साथ साथ एक है एसटीसी स्वरूप, ये भी थोड़ा सा अच्छा बनाती है, और उसी के साथ साथ एक है स्काइवा, ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और एक कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ विराट। तो ये 4-5 कंपनी है जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये कोई इंटरनेशनल बड़ी कंपनी नहीं है जो कि आपको अच्छा प्रोडक्ट देगी। ये जैसे नॉर्मली गुजरात और पंजाब में मैन्युफैक्चर कुछ कंपनियां हैं जो कि बनाती है छोटी मोटी है, तो ये सब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन आप इन सब में से कोई भी परचेस कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आप परचेस मत करिएगा, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, और ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन मत परचेस करिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी 14,000, 15,000 या 16,000, इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन परचेस करते हो तो आपका ये फायदा होगा कि आप दुकान पे जाके चेक कर लोगे कि मशीन काम कर रही है नहीं, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रेचेस वगैरह भी आ जाए क्योंकि प्लाई का है, प्लाई आपकी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है नहीं, तो ये सब आप चेक कर लो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो ऑनलाइन में आप बस देख सकते हो टूटा फूटा नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं करे तो आप रिटर्न तो कर दोगे तो दूसरे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सर्विस का यहाँ पे थोड़ा सा मैटर निकल कर आ जाएगा। अगर आपकी मशीन ऑनलाइन परचेस करे कोई सर्विस यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया तो आप कहाँ बनवाओगे, ऐसा कोई सर्विस इसका जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन दुकान से खरीदोगे तो दुकान वाला आपका कहीं से ना कहीं से इसको बनवा के देगा, तो ये आपका फायदा निकल कर आ जाएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन परचेस करिएगा, दुकान से जाके परचेस करिएगा पूरा देख कर कि आपको कैसी मशीन जो है मिल रही। तो मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया है, 11 दुकानदार ने लगभग 13,000-13,500 रुपए बोला था, लेकिन मैंने कम कराया तो यहाँ पे मुझे 11,500 रुपए में मिली, वो 11,800 रुपए मांग रहा था लेकिन मैंने 11,500 रुपए उसको दे के मैं चला आया, तो यहाँ पे मुझे 11,500 का मिला। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और भी कम कराओगे तो आपको 11,000-10,500 रुपए में देखने को मिलेगा। ऑफलाइन में ऐसा कुछ सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा अगर 1,000-2,000 रुपए का, तो वो आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तब यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे ऑफलाइन परचेस करिएगा, ऑनलाइन परचेस मत करिएगा, सबसे यहाँ पे बेस्ट है कि आप ऑफलाइन परचेस करिएगा। बाकी अगर कोई सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट अनबॉक्सिंग रिव्यू और यहाँ पे कंपैरिजन की वीडियो लेके आते रहता हूँ। बाकी आप लोगों कोई सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ने अनबॉक्सिंग टेक के साथ में, तब तक के लिए जय।